नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद्भागवत के सत्संग में। श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद उसके अंतर्गत भगवान ऋषभ देव के अवतार के विषय में छठे अध्याय में ऋषभ देव के कार्यकलाप का मतलब है भगवद्गीता का ये श्लोक जन्म कर्म च मे देव्यम एवं युवेति तत्वतः। भगवान के प्रकट्य और उनकी लीलाओं को जो दिव्य मानता है वही संसार सागर से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। तो ऋषभ देव भी भगवान का अवतार है पांचवें स्कंद में। उनके कार्यकलापों का मतलब कर्म जो उन्होंने किया उसका वर्णन हम श्रवण वर्णन कर रहे हैं। ऋषभ देव शब्द ऋषभ का वैसे अर्थ होता है श्रेष्ठ और दूसरा अर्थ होता है जो अपने आप प्रकाशित हो, कहीं और से प्रकाश की आवश्यकता ना जिसको पड़े। ऋषभ स्वयं प्रकाशित। तो ये अब जो प्रसंग चल रहा है, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। इससे पहले 100 पुत्रों में महाराज भरत को लक्षित करके भारतवर्ष के लिए उपदेश दिया और उसके उपरांत महाराज भरत को राजपाट देकर और अवधूत वृत्ति से ऋषभ देव विचरण करने लगे। अवधूत वृत्ति से और जो मिल जाए तो खा जाए, खाएं, नहीं मिले तो नहीं खाएं, कोई मान दे अपमान दे उससे ऊपर अवधूत वृत्ति कहते हैं। और इसको अजगर वृत्ति भी दूसरा स्तर दूसरा इसका विचार है अजगर वृत्ति, उससे रहने लगे। सारी सिद्धियां सामने आके खड़ी हो गई तो महाराज ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। सिर्फ हमको शिक्षा देने के लिए मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे शिकारी जैसे जाल में आए हुए पशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, ऐसे किसी भी मानव को कभी भी मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा दे सकता है। तो सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया और फिर एक जंगल मुख में पत्थर रख दिया और जंगल में आग लग गई। और श्री प्रभुपाद लिखते हैं आग ऋषभ देव के शरीर को जला नहीं सकती है। क्यों, कैसे? बोले भाई आत्मा को जब न कोई आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है, आत्मा का तो ये स्वरूप है ही ना। तो उनका सारा शरीर ही उसी मसाले का बना हुआ था जिसकी आत्मा होती है।
ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि हमारा शरीर तो पांच भूतों का हार्ड मास का है, लेकिन भगवान का शरीर सच्चित आनंद होता है, तो उसको आग क्या जलाएगी? तो उसको आग नहीं जला सकती है। और उनके कृपा से जो पशु पक्षी भी थे उस वन में, उनका भी उद्धार हो गया, ऐसे श्लोक में लिखा है। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी लीला का लीला संपूर्ण की, लीला पूरी की। अब उसके बाद उनकी रहनी का, अवधूत रहनी का कुछ लोगों ने नकल किया। नकल किया का मतलब इमिटेशन किया। क्या कहते हैं नकल को? अनुकरण। हाँ, अनुकरण किया। अब ये इसको श्लोक को पढ़ें, ये श्लोक तो जो है वो गद्य में है, पद्य में नहीं है, तो इसको उस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, शब्द शब्द करके पढ़ लेंगे। रासलीला के विषय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, तो सुखदेव महाराज ने कहा विष पीना है तो शंकर पी सकता है, सब नहीं पी सकते हैं। अगर सब विष को पिएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन शंकर पी के जी सकता है। तो ये रासलीला कृष्ण कर सकता है, और कोई इसका अनुकरण करेगा तो नर्क में जाएगा। ये वहाँ ये रासलीला के प्रसंग में ऐसा उत्तर है सुखदेव महाराज का। और ऐसा भी लिखा है कि ये काम लीला नहीं है, ये काम मर्दन की लीला है रासलीला। ये काम बढ़ाने की नहीं है, ये काम शांत करने की लीला है। जैसे रासलीला में भगवान ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है, मदन मोहन हुए हैं, तो ऐसे ऋषभ देव की रहनी सहनी का अनुकरण करना मूर्खता है। उनकी शिक्षाएं जो महाराज भरत के माध्यम से मानव जाति के लिए दी हैं वो अनुकरणीय है। शिक्षाएं अनुकरणीय हैं, उनकी रहनी अनुकरणीय नहीं। जो उनकी रहनी का अनुकरण करता है वो उत्पाद करता है समाज के अंदर। तो ये श्लोक उस दृष्टिकोण से है कि कुछ लोगों ने महाराज ऋषभ देव की रहनी कहनी का, रहन सहन का अनुकरण करके समाज के अंदर वेद विरुद्ध आचरण किया। तो आइए श्लोक के एक शब्द को उच्चारण कर लीजिए। ये नह वावकलो मनुजा पसदा देव माया मोहिता स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देवहेलनान्य अपवर्तानि निज निज इच्छया ग्रहणाना अस्नाना आचमना असुचो केश उलंचनादीनि कालिना धर्मा बहुलेन उपहता धियो ब्रह्म ब्रह्माण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका प्रायेण भविष्यन्ति। तो जो येन शब्द है ये पहले जो श्लोक गया है उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे तथाकथित धर्म के मार्ग, मतलब एक नया धर्म का मार्ग चालू हुआ, उस मार्ग के ऊपर चलने वाले। कौन सा मार्ग चला हुआ? कल के श्लोक में क्या था? तीन स्थानों के राजा, एक राजा था तीन स्थानों का,
कौनक, तीन शब्द हैं, क्या शब्द हैं? कौनक, वैनक और कूटक, ये सब केरल की तरफ है, दक्षिण भारत में। उनका एक राजा, उसका नाम था अहरण। तो अहरण राजा वहाँ का, अहरत, ऋषभदेव के इन सारे रहनी सहनी का सुना, देखा भी नहीं, सुना और एक नया धर्म चालू कर दिया। तो उस धर्म को यहाँ कहा है येन का मतलब उस धर्म के ऊपर चलने वाले। तो अहरण के धर्म के ऊपर चलने वाले, ये दसवां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अहरण के धर्म के ऊपर चलने वाले क्या करते हैं? ओ कृष्ण जी, तो येन का अर्थ हुआ अहरत के द्वारा प्रचलित धर्म के ऊपर चलने वाले। वाव वाव निश्चित ही, बोलिए निश्चित ही, कलौ इस कलयुग में मनुज्य अपस्दाहा। मनुज्य का मतलब हो गया तो मनुष्य है, हा? मनुष्य कैसा मनुष्य? मोस्ट कंडेम्ड, मोस्ट कंडेम्ड का मतलब जिसका तिरस्कृत, तिरस्कृत क्या शब्द देखा है हिंदी में, दस क्या शब्द पढ़े, मनुज मोहित, हाँ मनुज उपसदा, अत्यंत नीच व्यक्ति, अत्यंत नीच व्यक्ति, देव माया मोहिता। तो इसका अर्थ होगा भगवान की बाहरंग शक्ति द्वारा मोहग्रस्त शक्ति या माया से मोहित। अब वो मानव में नीच कैसे हुआ कि भगवान की माया शक्ति से मोहित हुआ? इसके लिए दूसरा शब्द क्या है भगवद गीता में, क्या शब्द है? नराधम, नराधम। और वो नराधम शब्द कब आया है? जो भगवान की माया शक्ति से मोहित होते हैं, जो बाहरंग शक्ति के आश्रित होते हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, उनमें चार प्रकार के, उनमें से एक नराधम है, ये है ना, ये सातवें अध्याय का श्लोक है ना, तो नराधम। और प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य में कितने नराधम लिखे हैं दुनिया में? 99.99% नराधम है। और फिर उसका कारण बताया क्यों, कहा कोई गर्भदान संस्कार ही नहीं करता है। वैदिक संस्कार बाल के जन्म से पहले का नहीं करे तो बाल जन्म होते ही नराधम ही बनेगा आगे चल के, ये उधर प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। इसका अर्थ ये है कि इस वक्त धरती के ऊपर प्रायः लोग मानव में नीच है। तो इसका क्यों नीच है? क्योंकि माया के प्रभाव से प्रभावित है, भगवान की भक्ति से प्रभावित नहीं। कितने लोग भक्ति करते होंगे और कितने लोग माया के चेले हैं? कितना आपका क्या विचार है, भगवान के चेले ज्यादा हैं कि माया के चेले ज्यादा? माया के चेले ज्यादा हैं। तो ये क्यों है नराधम? बोला भगवान की मोहिनी माया से मोहित। और भगवान की मोहिनी माया काम कैसे करती है, कैसे काम करती है? जो भगवान है उसको छुपा देती है, असली चीज को छुपा देती है, और जो नकली चीज है उसको दिखा देती है। ये भगवान की माया के काम करने की शैली है। उसका उदाहरण क्या है, सिनेमा हॉल में जब जाते हैं, देखा है, जब अंदर जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, लाइट बंद कर देंगे सारी। अब जो आपके साथ आपकी बेटी गई के बहू गई के पत्नी गई के भाई गया, वो तो नहीं दिखेगा जो पास बैठा है, सबको अंधा कर देते, करते हैं ना अंधा। उसके बाद स्टेज के ऊपर एक ड्रामा शुरू कर देते हैं, फिल्म, उसमें काम करने वाले सब नकली होते हैं भाई। उसमें कोई भी जो जो हीरो है वो हीरो होता नहीं है, जो राजा है वो राजा होता नहीं है, जो हीरोइन है वो हीरोइन होती नहीं है, नहीं ना। और हम सब उसी को सच मान लेते हैं, और वहाँ अपने बच्चों को बैठे उनकी नहीं देखते, उनको ही देखते रहते हैं,
वो रोते हैं तो हम रोते हैं, वो हंसते हैं तो हम हंसते हैं, और अपनों को सबको भूल देते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? ये है माया का काम। अच्छा, जो ऐसे काम करे उसको भला क्या कहोगे? अच्छा आदमी कहोगे कि मूर्ख कहोगे? मूर्ख कहोगे ना। जो सिनेमा के अंदर वो पैसा कमा रहा है, आपने पैसा दे के रो रहे हो दूसरे के कारण। आपको कुछ दे, आपका कुछ नया गया नहीं, आया नहीं, और आप उधर ही ऐसे टंगे हुए हो 3 घंटे, तो मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? तो ये माया के काम करने की शैली है। आवृत आत्मिक का मतलब है जो असली चीज है उसको ढक देती है, और विक्षेप का मतलब है हमारे को दूसरा कुछ ऐसा माया जाल दिखाती है कि असली चीज ही भूल जाती। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? मनुज, मनुज अपसदाह, अपसदाह मनुष्यों में नीच या नराधम। वो सातवें श्लोक को नरा, ये शब्द देख के सातवें श्लोक माया को देख के याद करना चाहिए। 4 प्रकार के लोग जो भगवान की माया से मोहित हैं, वो भगवान को नहीं जान सकते हैं। उनमें क्या क्या है? कौन है? नराधम, माया पहृत ज्ञान, आसुर, और चौथा कौन है? मूढ़। ठीक है, अब आगे चलिए। स्वविधि नियोग सोच चरित वहीना, एक शब्द है स्वविधि, अपने कर्तव्यों के अनुसार। ये कर्तव्य शब्द नहीं है, शब्द नहीं होना चाहिए। स्वविधि, अपना ही रास्ता निकाला। विधि का मतलब रास्ता। अपने ही इच्छा से, अपने ही, अपना ही नया तरीका निकाला, अपना ही नया और मार्ग निकाला। किसका? नियोग, अपने कर्तव्य के अनुसार निर्मित विधानों, स्वच्छता तथा चरित्र से विहीन, शास्त्र विहित आचारों तथा सोच से रहित। स्वविधि नियोग सोच चरित्र विहीना। एक तो चरित्र विहीना, मुख्य बात क्या है? चरित्र विहीना, चरित्र विहीना, चरित्र विहीना। विहीन का मतलब चरित्र के बगैर, चरित्र के बगैर। ये कहावत सबने सुनी हुई है ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, वापस आ जाता, आता जाता है, और स्वस्थ गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, है ना? ये पुरानी कहावत है ना, चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक ग्राम चरित्र का 100 किलो सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक ग्राम चरित्र का 100 किलो सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, और इस वक्त सारे विश्व के अंदर चरित्रहीनता प्रबल रूप से दिखने में आती है। चरित्र समाप्त होता जा रहा है जीवन में। कारण क्या है? एक ही कारण है, आध्यात्मिकता का अभाव। आध्यात्मिकता का अभाव चरित्रहीनता का मुख्य कारण है। तो चरित्रहीनता आएगी, शौच पवित्रता समाप्त हो जाएगी, पवित्रता शौच तपस्या में आता है। जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी का अंग्रेजी का ये सब हमेशा एक बात, पवित्र का क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। पवित्रता भगवत्ता के बहुत निकट है जीवन में। हाँ, शुद्धता और पवित्रता जीवन में हो चाहिए। अभी तो चूल्हे चौके के भी पवित्रता घरों में नहीं रह गई। चूल्हे चौके की पवित्रता का बहुत ध्यान दिया जाता था। नहा धो के जैसे मंदिर में जाते हैं, ऐसे चूल्हे चौके में जाते हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि 100 घरों में ऐसे 2 घर भी होंगे जहाँ नहा धो के चूल्हे चौके में जाते होते। ऐसे उठे लटके हुए सीधे चाय का देगड़ा रखने जाते हैं, चोला चूके का, चोला चूका बिगड़ा के नहीं किया। तो पवित्रता समाप्त होती हो चुकी है विशेष रूप से। तो पवित्रता, और तीसरा क्या है? शौच, स्वविधि नियोग, नियोग अंग्रेजी में देखने इसका क्या लगा।
स्वविधि नियोग सोच चरित्र विहीना विदाउट करेक्टर क्लीनिनेस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन अकॉर्डिंग टू वंस ओन ड्यूटी इन लाइफ। जो नेम हरेक के अपने स्वभाव के अनुसार है, इसका मतलब वर्ण आश्रम, जो वर्ण आश्रम के नियमों का उल्लंघन करने वाला, उनके स्वभाव के अनुसार जो नेम है उन सब का उल्लंघन करके अपने मनमानी करता, जैसे उसको अच्छा लगता है वैसे कर, वैसे करने का रास्ता चालू किया। अच्छा आगे दे, देव हेल नानी, भगवान के प्रति तिरस्कार, जहां भगवान का कोई, ऐसे धर्म वालों में भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। देव वहिल न, भगवान के अस्तित्व का कोई नकार दिया, भगवान देव वहिल न और अप, हाँ अपवर्तानी, अपवित्र व्रत पाखंड, भगवान को भुला दिया लेकिन अपवित्र व्रत और पाखंड, अपवृतानी पाखंड, निज निज इच्छया अपनी अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण स्वीकार करते हुए, भगवान को तो निकाल दिया कि भगवान है ही नहीं, और फिर अपने विधि विधान ऐसे बनाए मन से जिसमें, जिसको पाखंड कहा गया। पाखंड किसको कहते हैं? जो वेद विधानों का खंडन करे वो पाखंड। अब आगे लिखा है, स्थान अनाच मन शौच केश ओलंचुन आदि नहीं, घड़े हुए गड़े हुए धार्मिक नियम यथा स्थान स्थानान न नहाना स्नानान, जो जो समाज में नियम बने हुए हैं जैसे स्नान करना है, उन सब का उल्लंघन कर दिया, नहीं करने की जरूरत है। अस्नाना स्नान नहीं करना, अनाच मन मुंह नहीं धोना, अशौच पवित्र नहीं रहना, केश ओलंचन और बालों को ऐसे खींच खींच कर निकालना, बालों को खींच कर निकालना आदि नहीं, और चीज़ें धारिक मैन तथा स्नान न नहाना, मुख न धोना, आचमन का मतलब मुख धोना। पहले हमारे वैदिक संस्कृति में बाहर से आदमी आता है पहले कहते हैं पांव धो, जूता बाहर उतार, पांव धोने का मतलब जूता बाहर उतारो, पांव तब धोएगा जब जूता उतारेगा ना। भाई जूता घर में नहीं लाना है, ये इसका नेम ये था, तो कहते थे भैया आपका पांव धुलाना है, इसका मतलब जूता बाहर रखो। ये ऐसा अच्छा नेम था कि जूता कोई घर में ला नहीं सकता, क्योंकि बाहर कचरे में घुमा हुआ जूता घर में नहीं लाना चाहिए। अब तो जहाँ मंदिर होता है वहाँ जूते सजे हुए हैं घरों में, भगवान नहीं है लेकिन जूते बड़े सजे हुए हैं। गीता 100-130 रुपये की वो नहीं लेंगे और 7,000 रुपये के जूते लेंगे, ये समाज है। जाके बोलो एक गीता ले लो भैया, नहीं महाराज के। और नीचे देखो तो नाइकी के 7,000 के जूते हैं, ऐसे समाज को जूते मारने चाहिए। जूते के ऊपर खर्चा करते हैं जो जो पांव की रक्षा करते हैं, और गीता जो उसके आत्मा की रक्षा करता है उसके लिए एक रुपया भी खर्चने को तैयार नहीं है। यह है ना नीचता है कि नहीं है? इसको नीचता कहोगे और क्या क्या, मानव में नीच और कौन हो सकता है, इससे ज्यादा भी कोई नीच हो सकता है क्या? तो पहले कहते थे वैदिक संस्कृति में बाल आपका चरण धुलाना है, इसका मतलब जूते बाहर उतारो। फिर कह आचमन्य, फिर कहते अब मुंह धो लो, मुंह धो लो, आचमन्य का मतलब मुंह धोनो, कुल्ला कर लो, फिर घर के अंदर प्रवेश करो, ये एक नेम हुआ करता था। अब सिर्फ घर में माँ बाप से डरते हुए आचमन कौन करते हैं? जो सिगरेट पी के आते, क्योंकि बाहर दो पता नहीं लगे घर वालों को, वो बाहर पहले आचमन करते नल के ऊपर फिर अंदर आते हैं। ये आचमन की नई विधि आई है। तो ये सब नहीं करना, ये सब छोड़ देना। केश नुचवाना, अशुद्ध रहना और केश नुचवाना, कलीना कलियुग के प्रभाव से अधर्म बहुलेना, अधर्म की बहुलता वाले
अधर्म की बहुलता वाले अपहत्त धीयः, जिनका अंतःकरण विनिष्ट हो गया है, बुद्धिहीन। उपहत धीय, धीय कहते हैं बुद्धि को, धीय धीमही, अपहत मतलब जिसकी बुद्धि हरण कर ली गई है कलयुग के द्वारा। और उसके बाद है ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषिका। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, ब्रह्म कहते हैं वेद को, और जो वेद को जानने वाले हैं वो हो गए विवेद, फिर यज्ञ, फिर भगवान, तथा भक्तों की निंदा करने वाले। शब्द क्या है? ब्रह्म ब्राह्मण, एक ब्रह्म मतलब वेद, एक ब्राह्मण मतलब भगवान के भक्त, एक यज्ञ, एक पुरुष, यज्ञ पुरुष भगवान, लोक विदुषिता, लोग उसकी अवहेलना करने लगे, निंदा करने लगे। प्रायेण प्राया भविष्यन्ति, ऐसे भविष्य में हो ये लोग करने लगे। अब श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्ण आश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। पहली बात, वे नित्य तीन बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। नित्य तीन बार स्नान, महाराज भरत के लिए लिखा है आगे आएगा, जब वो गंडकी नदी के किनारे रहने लगे तो तीन बार स्नान करते थे, वहाँ लिखा है गायत्री करने से पहले स्नान करने का नियम है। तो तीन बार संध्या में गायत्री करनी है, तो सुबह का स्नान करना है, फिर मध्याह्न का स्नान करना है, फिर सायं का स्नान करना। आज भी सन्यासी के लिए नियम है तीन बार स्नान करना, ये अभी भी नियम है और सन्यासी ऐसे करते हैं, हमने देखा है, ये नियम है बना हुआ। तीन बार स्नान करना को छोड़ देंगे, अब तो तीन दिन में स्नान करना ही मुश्किल हो रहा है और सर्दियों में तो बहुत बड़ी समस्या है। प्रभुपाद जी ने और जगह लिखा है कि जब से ये जीन का पेट आए, पैंट पहन के लोग चलने लगे हैं, तब से तो दस दस दिन पैंट उतारते ही नहीं है, उसी में सोते उसी में चलते, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा सेंट लगा के चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। स्नान से कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम कैसे हो ये सनातन धर्म वाले, सुबह स्नान शाम स्नान, हम तो शुक्रवार शुक्रवार स्नान करते तो भी बड़ा तकलीफ होती है केवल शुक्रवार शुक्रवार स्नान करते हैं। एक तो कहता कैसे आप रह सकते हो, हम तो खुजली होने लगती है 15-20 दिन स्नान नहीं करें तो, 15-20 दिन स्नान के बाद पता लगता है उसको मेरे ख्याल में आप सबको इसका अनुभव होता है। आजकल लोग अब कृष्ण भावना में क्या स्नान का एक ऐसा प्रभुपाद जी ने मर्यादा बना रखी है कि सबको स्नान करने का नियम बना दिया, लेकिन प्रायः हम तो आज देखते हैं कि लोग स्नान करते नहीं हैं। आज के पढ़े लिखे बच्चे तो स्नान से इतने दूर जा भागते हैं, इतने दूर भागते हैं कि बस छोड़ दो, वो तो स्नान करने के समय उठेंगे ही नहीं। स्नान करने का नियम है कि दांतन करना है सूरज उगने से पहले, वेद में ऐसा लिखा है, उसको अगर कहते हैं तो डर लगता है। सूरज उगने के बाद दांतन मुंह में डालना, कुत्ते की पूंछ को डालना, ये वेद में लिखा है। सूर्य उगने के बाद दांतन मुंह में डालना, कुत्ते की पूंछ को। मैंने किसी को कहा, उसने बोला हम शाम को सूरज अस्त होने के बाद डालते हैं उसने अपना नेम ही बदल दिया। अब उसके लिए वेद ने कुछ लिखा ही नहीं, कोई ऐसे कभी होगा ही नहीं तीन बार स्नान करना छोड़ देंगे। अब ये तो इस नापदंड से तो मेरे ख्याल में हम सब बैठे हैं, इनमें से तीन बार स्नान करने वाले कोई पुजारी होंगे, क्योंकि मंदिर में बगैर स्नान जा ही नहीं सकता, ये तो नियम है, मंदिर में कोई बगैर स्नान जा नहीं सकता तीन बार क्या, कई बार स्नान कभी कभी लोग करते हैं, तो स्नान करना छोड़ देंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों का ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे।
और अपने केश नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इसका मतलब जो पाखंड ये है वो फूलते फलते हैं। इस कलियुग इसी कली काल में लोग आध्यात्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। ये किसके क्या लिखा? इस कली काल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों भगवान तथा उनके भक्तों का उपहास करेंगे। यहाँ अनुवाद पूरा हुआ। अब तात्पर्य, आजकल पाश्चात्य देश के हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप है। प्रभुपाद ने सीधा बोला कि कहीं और नहीं, हमने इन सबको देखा है कि आज पाश्चात्य लोग में जो हिप्पी हैं, न तो स्नान करना नहीं है, खान पान नहीं है, बाल बड़े भले कैसे जटाएं हो गई, तो ऐसा स्थिति जो है प्रभुपाद जी कहते हैं ये ऐसा हमको आज देखने के मिल रहा है। प्रायः हिप्पी कौन सी उम्र में होते हैं? बड़ी उम्र के हिप्पी कम होते हैं। हिप्पियों की उम्र कौन सी होती है प्रायः? युवा अवस्था वाले ये हिप्पी होते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के आधार पर कह रहे हैं, आजकल पाश्चात्य देश के हिप्पी इस वर्ण के अनुरूप हैं। वे गैर जमेदार तथा असंयमी होते हैं। गैर जमेवार तथा असंयमी, कोई दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं है और संयम जीवन में नहीं है। वे स्नान नहीं करते और वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैलियां एवं धर्मों को घरते रहते हैं। उनके अपने अपने धर्म हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु उनका मूल स्रोत राजा अहरथ था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। कहाँ जाके प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को अहरथ से जोड़ दिया कि ये अहरथ ने जो पद्धति चलाई थी उसका प्रभाव वहाँ पड़ा है। इससे एक बात ऐसे लगती है कि ये पूरा धरती खारे समुद्र से घिरी हुई सारी धरती जो है ये पूरा पुराना, इसका नाम ही भारतवर्ष है। इसका पूरा राजा महाराज भारत था, इसलिए इसका नाम भारतवर्ष था। और कौन सी अवस्था लिखी है महाराज ऋषभदेव की? परमहंस अवस्था। और आगे लिखा है कि उनके मल मूत्र से बहुत सुगंध निकलती थी कई मीलों तक। अब ये विज्ञान से तो इसका खोज करने से पता नहीं लग सकता है, लेकिन उनका शरीर हमारे जैसा था ही नहीं, मल मूत्र का बना हुआ, तो उसके अंदर से तो एक दिव्य सौरभ निकलती है। भगवान के चरणों से एक दिव्य सौरभ निकलती है। उनका एक विशेष गंध है जिसको भाग्यशालों को उसका एक बार सूंघने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो चार कुमारों की तरह वो ब्रह्म आनंद को भी भूल जाते। तो क्या भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी का और चंदन का गंध सूंघने से चार कुमार ब्रह्मानंद को भूल के भगवत भक्ति के आचार्य बन गए? तो भगवान के तो दिव्य सौगंध निकलती है ना, उसके सौरभ निकलती है। तो ऋषभदेव का तो मलमूत्र भी सौरभ ऐसा दिव्य था, उनकी दिव्यता की स्थिति थी, लेकिन उनका अनुकरण करने वाले की स्थिति ऐसी दिव्यता तो नहीं है। तो उनके कारण ये उनका एक शाखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इससे प्रभुपाद जी पूरे विश्व को असल में प्राचीन वैदिक पद्धति के अंतर्गत चलने वाला जो आज उसके विपरीत चल रहा है ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय वैदिक पद्धति के अनुसार पांचवें निष्कंद में आगे आएगा भारतवर्ष पूरी पृथ्वी का नाम है। जो खारे पानों से समुद्र पृथ्वी है इसका नाम भारतवर्ष है। और
सात दीप जो इसमें बने वो तो महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों से बने, और उन्होंने अपने पुत्रों को सात दीपों का राज दिया। तो ये पूरा धरती जो है इसका प्राचीन नाम भारतवर्ष था। इसलिए अभी भी पंडित जी जब संकल्प पढ़ते हैं तो कहते हैं भारतवर्ष भारत खंडे, दो शब्द कहते हैं। भारतवर्ष का मतलब भारतवर्ष में, भारत खंड का मतलब ये धरती का टुकड़ा जो विंध्याचल पर्वत और हिमालय के बीच का टुकड़ा है, ये भारत खंड है और वो पूरा भारतवर्ष है। आपको कभी पहले भी हमने बताया होगा कि आप ऐसे कहें कि आज जिसको हम भारत कह रहे हैं, आज से 70 साल पहले तो बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, ये तो भारत था ही ना। और भगवान श्री कृष्णकालीन भारत का क्या मानचित्र था? कृष्णकालीन भारत में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का घोड़ा कहाँ कहाँ तक गया था, उसकी सीमा कहाँ कहाँ तक थी, वो पढ़ के देखेंगे तो पता लगेगा। और भगवान रामचंद्र के राजसूय यज्ञ का घोड़ा कहाँ कहाँ तक गया था, उसको जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ये पूरी धरती के ऊपर जो है वो एक छत्र राजा महाराज युधिष्ठिर एक ही राजा थे पूरी धरती का, उसको सम्राट कहते हैं। तो धरती के ऊपर अलग राजा नहीं थे। तो यहाँ जो ये बात कही जा रही है कि हिप्पी अर्हत के प्रभाव से प्रभावित हैं, इसका मतलब पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म पहले था और उस वो बाद में बिगड़ता बहुत से पक्षों में ऐसे हो गया है, ऐसे मानना चाहिए। वैसे भी बताइए कि बाकी सब धर्मों के मजहबों के आरंभ की तिथि मिलती है भाई, कोई 1400 साल पहले है, कोई 2000 साल पहले है, लेकिन सनातन धर्म की कोई तिथि तो है नहीं, ये तो अनादि है। तो इसको मतलब जब ये इतने साल पहले, 2000 साल पहले क्या था, 5000 साल पहले क्या था, तो विकृति कब आई? वैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा था कि जब ब्राह्मण बालक ने परीक्षित महाराज को शराप दिया, तब से क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में बहुत बड़ा एक दूरी वाला वातावरण हो गया। तो पहले ब्राह्मण क्षत्रियों का मार्गदर्शन करते थे और फिर क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों का मार्गदर्शन छोड़ दिया। जैसे आज कोई भी राजा ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में काम नहीं कर रहे हैं। फिर क्षत्रियों ने वैश्यों से अत्याचार किया, इसलिए जैन धर्म का जन्म हुआ, लिखा ऐसे। ये भक्ति विनोद ठाकुर का एक आर्टिकल है। पर क्षत्रियों ने वैश्यों को दबाने का प्रयास किया तो उन्होंने विरोध किया और अपना नया धर्म, वैदिक धर्म छोड़ के नया धर्म शुरू कर दिया। और फिर वैश्यों ने शर्मिकों के ऊपर इतना अत्याचार किया कि उन्होंने बौद्ध धर्म शुरू किया। तो ये धर्म जो इस तरीके से विभाजन टुकड़े टुकड़े हुए हैं सनातन धर्म के, उसका भक्ति विनोद ठाकुर का एक ऐसा आर्टिकल है कि इस तरीके से ये विभाजन हुआ। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वर्ण आश्रम समाज के अंदर आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, और जब ये बिगड़ जाता है तो एक जाति दूसरे के ऊपर हावी हो जाती है, भारी पड़ जाती है और दूसरे का शोषण करने लगती है। ये वर्ण आश्रम का बिगड़ा हुआ रूप है। और इस बिगड़े हुए वर्ण आश्रम के रूप को पूरे विश्व में, जब यहाँ ब्रिटिश शासन था तब इसका बहुत बड़ा प्रचार किया गया। यहाँ ब्रिटिश ने इसका इतना बड़ा दुर्प्रचार किया है वर्ण आश्रम के विकृत रूप का, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा प्रचार किया है। तो ऐसे प्रचार के अंतर्गत तो ये अर्हत वाला प्रचार भी दुनिया में पहुंच गया, तो हिप्पी इस धर्म के अनुयायी हो गए। उन्होंने कहा हम भी ऐसे उन्होंने कहीं सुना है। असल में अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी के प्रचार के समय जो ये उस वक्त के जैसे प्रभुपाद हिप्पी लोग आए, उस वक्त वो सब भारतीय लिटरेचर जो साहित्य और दर्शन पढ़ते थे सबका पीछे। अब देखें सभी कहते कि भारती कोई बुद्धिज्म पढ़ता था, कोई योगी की कहानी पढ़ता था। इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से किन्होंने इससे ऐसा
पढ़ा है तब उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। ऐसे ये धर्म एक तो ये प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है लेकिन ये बहुत बड़ा भारी है। देखा जाए तो अहरत की पद्धति से हिपिज्म जुड़ी हुई है, कैसे जोड़ोगे? ये शब्द लिखना, इसके पीछे क्या प्रभुपाद जी का देखो भाव है। अहरत के इस बात का ध्यान नहीं हुआ, इसके मूल स्रोत राजा अहरत था जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभदेव के कार्यकलापों का अनुकरण किया। अहरत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि ऋषभदेव पागल जैसा आचरण कर रहे थे किंतु उनके मल तथा पुरुष्य सुगंधित थे, पुरुष्य सुगंधित थे जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अहरत के अनुयायी जैन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया, विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय मतलब उसका उल्लेख किया जा सकता है, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबंध है। अब आगे क्या इसको बोल दिया कि ये जैनिज्म और हिप्पीज्म मायावाद दर्शन की शाखा से संबंध है क्योंकि वे अपने को भगवान मानते हैं। सभी अपने को भगवान मानते हैं, भी कहते हमारी मर्जी हम जब करें, भगवान स्वतंत्र है हम भी स्वतंत्र हैं, अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। राजा एक चढ़ के हाथी के ऊपर जा रहा था तो एक ऐसा ही हिप्पी खड़ा था, उसने बोला हाथी बेचेगा? राजा ने बोला इसको पकड़ के जेल में डालो, ये कोई ऐसे कैसे बोलता है। जेल में डाल दिया, सुबह उसको बुलाया कि भाई कितने में हाथी खरीदेगा, हाथी खरीदेगा कितने में खरीदेगा? बोला सही महाराज, हाथी खरीदने वाला चला गया। बोला चला कैसे गया? तुम है ना? बोला रात नशे में था इसलिए हमने, राजा बने हुए थे तब हमने कहा खरीद लेंगे, अब नशा उतर गया अब क्या खरीदेंगे। तो ये सब जो है नशे की वजह से अपने आप को भगवान समझते, नशा उतरने के बाद वो पागल जैसे होते हैं वैसे ही रह जाते हैं। तो ये एक नशा है जो इन हिप्पियों का, प्रायः सारे हिप्पियों के पास मुख्य चीज़ क्या है, बड़े अच्छे नेम है उनके, उनका दर्शन भी अपने आप में बड़ा अच्छा है, नहीं तो इतने सारे नवयुवक उधर क्यों चले जाएं। एक तो कहते आप भगवान बन जाओगे, आप स्वतंत्र हो, भगवान से अलग नहीं हो, भगवान है ही नहीं, आप ही तो भगवान हो, और कहाँ से भगवान आएगा, हम सब भगवान हैं। प्रभुपाद जी से जब गिरिराज महाराज पहली बार मिलने आए तो श्री प्रभुपाद जी ने पूछा आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं कि भगवान बनना चाहते हैं? तो गिरिराज महाराज लिखते हैं ऐसे लगता है कि ये स्वामी जी मेरे अंदर से मेरे घर में मेरे पानी की शेंक के ऊपर लिखे हुए उस पन्ने को पढ़ रहे थे जिसमें मैंने लिखा था मैं भगवान हूँ, क्योंकि उन्होंने ये लिखा हुआ था आई एम गॉड। तो उन्होंने उत्तर दिया नहीं तो प्रभुपाद ने कहा देखिए अगर आप भगवान की सेवा करना चाहेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, आप भगवान बनना चाहेंगे तो भगवान अपना एक प्रतिद्वंदी क्यों बनाएगा? व्हाई शुड गॉड हैव ए कॉम्पिटिटर? भगवान क्यों एक प्रतिद्वंदी की क्या जरूरत है भगवान को, फिर जाओ नराधम बन जाओ। सीधा सा प्रभुपाद ने पूछा है तुम भगवान बनना चाहते हो कि भगवान की सेवा करना चाहते हो? तो ये सब लोग भगवान को ही निकाल दिया भाई, अपने आप को ही मालिक बना के रख दिया। अब ऐसे लोग वैदिक नियमों के असली अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों तथा का आदर नहीं करते और न उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलियुग के प्रभाव से वे तरह तरह के झूठे धर्म घड़ते रहते हैं। कथा यहाँ समाप्त हुई। धर्म कौन देता है? धर्मात्तु भागवत प्रणीतम, धर्मात्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो भगवान ने दिया, ये सीधा रास्ता। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं धर्म स्थापन करने के लिए आता हूँ, फिर और कोई धर्म स्थापन करने की मूर्खता क्यों करे? और करेगा तो इसका मतलब भी धर्म ही हो गया, धर्म नहीं है वो, धर्म का एक पाखंड है।
तो एक ऐसे पाखंड के बहुत धर्म कलयुग में चलेंगे, बहुत इस प्रकार के पाखंड के धर्म चलेंगे। प्रभुपाद जी के प्रणति मंत्र में क्या पढ़ते हैं? निर्विशेष शून्यवाद। निर्विशेष हो गया मायावाद, शून्यवाद हो गया बुद्ध। तो इनका खंडन किया विशेष रूप से, निर्विशेष और शून्यवाद। शून्यवाद जैसे बुद्ध में भगवान का नहीं है, जैनिज्म में भगवान नहीं है, भगवान का उसमें कोई अस्तित्व है ही नहीं, और निर्विशेषवाद में भगवान नहीं है, सब कुछ सभी ब्रह्म है। इन सब का निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश में ये सब हिपिज्म निर्विशेषवाद हो गया, शून्यवाद हो गया, ये उसी का प्रभाव था। इसका मतलब उनके ऊपर इसका प्रभाव था, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं तो इसी का प्रभाव है। चलो इस श्लोक से हमें क्या करना चाहिए? हमें टाइम से स्नान करना चाहिए, इतना बहुत है। इस श्लोक से मुख्य बात ये है, इसमें ये लिखा है कि ये नहीं करते हैं वो विद्रमी हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान का, ब्राह्मणों का, भक्तों का, वेद शास्त्र का आदर करना चाहिए, जीवन को पवित्र रखना चाहिए। ये काम कम से कम जो इसमें लिखे हैं, नहीं करने से आदमी जो विधर्म धर्म रहित तो हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, उन चीज़ों को अच्छी तरह से करने का हमें अब प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरि बोल। कोई प्रश्न है? नहीं। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण कृष्ण।